इमरान खान को दोषागना केस में जो है वो बुरी जमानत दे दी गई। वो बायर था, इनके लिए अजाब था, वो अब अंदर है, वो फिर भी इनके लिए अजाब है। इतने सारे केसेस का जो कह सकते हैं कि गुंजला होना दे उते पा दिता गया। शाह महमूद कुरैशी एक और तरह का करैक्टर है। कुछ साबित नहीं कर सकते, अंदर रख लें, डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ महीना और रख लो, क्या हो जाएगा? और एक साइड पे रख दो ना यार सारे सियासतदान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद हैं एक दफ़ा फिर एडवोकेट अली जाफरी साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बात की जाए तो सबकी एक केस पर नज़र दोबारा से जम चुकी है, वो है जिस साइफर केस। इमरान खान को दोषागना केस में जो है वो बुरी जमानत दे दी गई, उसके बाद जो है वो उसको प्रोसीड किया गया, न जाने क्या क्या हुआ। लेकिन जैसे ही 30 अगस्त को रिमांड ख़त्म हुआ, फिर भी उन्हें रिहाई नहीं दी गई। मतलब अभी तक वो स्टक है जेल में, क्यों? क्योंकि साइफर का केस आ गया, उसके बाद कहा जा रहा है नैब का केस आएगा। इतने सारे केसेस का जो कह सकते हैं कि गुंजला होना दे उत्ते पा दिया गया, वो कैसे जो है वो उसमें से निकलेंगे और आखिर में साइफर केस क्या है इसको जड़ से समझते तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर सबसे पहले नाज़रीन को ये बताएं कि साइफर केस है क्या? देखें ये तो अब जुबान ज़द आम है कि बाहर अमेरिका के सफ़ीर ने हमारे सफ़ीर के ज़रिए पाकिस्तान को एक पैगाम भिजवाया कि इमरान ख़ान के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की मोशन है उसको कामयाब करो तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं तो सख्त नतायज को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक बात चली वहाँ पे, सब ने डिनाई कर दिया कि ये झूठ है, ऐसा कोई साइफर आई नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर कौमी सलामती की मीटिंगें बुला ली कि आओ जी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा पहले क्या कहा, है ही नहीं, फिर उसको तस्लीम किया और उसके ऊपर कौमी सलामती की मीटिंग बुला ली, फिर उसके बाद दोबारा मुकर गए, फिर ये शोशा हुआ कि जी इमरान खान साथ ले गया है, चोरी हो गया है, और जिस पे खान साहब ने कहा था ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब चीज़ ये है, वो तो वजारत खारजा में पड़ा हुआ है, उसको उन्होंने जो वो कोड होते हैं उनको उन्होंने एक ट्रांसलेट करके एक तहरीर में लेके आए जो कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास था, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था, जो कि फॉरेन ऑफिस में था, और जो कि दो बार कौमी सलामती की मीटिंग में पेश हुआ। ठीक है, अब उसके ऊपर सुबह कहते थे है, शाम को कहते थे नहीं है। अब उसी साइफर का केस इमरान खान के ऊपर बना दिया, जिस तरह वो घड़ी वाला केस है सेम उसी तरह ये भी केस है। घड़ी वाला केस में क्या था कि 3.5 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया हुआ है अपने असासों में, बस मिस डिक्लेरेशन का केस था। नहीं नहीं मिस डिक्लेरेशन भी नहीं, जस्ट एक कह लो कि क्लेरिकल मिस्टेक के वहां पे आपने लिख दिया वैल्यूएबल एसेट्स कि जी आपने लिखना था मैंने तोशाखाना से घड़ी लेके बेची। कॉलम तो तोशाखाना का होता नहीं, होता जो इलेक्शन कमीशन की डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो एक क्लेरिकल कि जी आपने उसको तोशा खाना की जगह पे वैल्यूएबल थिंग्स में लिख दिया, इन्होंने उठा के वो केस बना दिया। अल कादर का केस क्या है, पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं, केस किसके ऊपर बन रहा है, खान के ऊपर बन रहा है। ओ भाई 3 साल 8 माह एक बंदा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा, एक केस उसके खिलाफ नहीं बना करप्शन का, एक उसने फ्लैट नहीं लिया, एक उसने कारखाना नहीं लगाया, एक उसने प्लाजा नहीं बनाया, एक उसने हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनाई। यार वो आया था और जाते हुए साथ अपने एक डायरी लेके चला गया, ऐसा ही है। ये जितना भी उसको खंगाल लेंगे, देखें वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि चांद ते थुक सटोगे ते अपने मुंह ते आएगी, वो चांद है कंवल, उसको अल्लाह ताला ने उसको वो मुकद्दर और बख्त दिए हैं कि ये बोने हैं, और एक हिस्ट्री है इमरान खान की, उसके मुकाबले में जितने भी बड़े कद का कोई बंदा आया है वो बोना साबित हुआ है। पहले क्या होता था, 75 सालों से पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि बंदा गिरफ्तार होता था साथ ही बीमार। शर्जील मेमन पिछले दिनों में देख रहा था, वो 2-2 घंटे खड़ा होकर वान में तकरीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता था, जवान आदमी हट्टा कट्टा, वो जब गिरफ्तार हुआ तो खुंडी पकड़ ली थी उसने, मीडिया पे फुटेज है, ठीक है। इनमें से कोई भी पकड़ा जाता था तो वो क्या होता था, बीमार हो जाता था। कैसा शौकत खानम का शेर है कि जो 1.5 महीना होने को है सेहतमंद है, जज रोज़ बीमार हो रहे हैं,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जाता है, जज बीमार, वकील भी बीमार हो गया था, वकील जो है वो कहता है कि जिन्हें डिहाइड्रेशन हो गई है, जो इलेक्शन कमीशन का वकील था इजाज साहब, देख लें हिस्ट्री इस बंदे ने बदल दिया, हिस्ट्री बदल दिया बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, शाह महमूद कुरैशी की बात की जाए तो उनको कितनी सजा मिल सकती है? देखें, शाह महमूद कुरैशी एक और तरह का करेक्टर है, वो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैं उनको इतना जानता भी नहीं हूँ ना मैंने उनके बारे में कोई स्टडी की है, लेकिन वो और तरह का बात कह रहे हैं कि इस केस में जो है वो इमरान खान को बेल मिल जाएगी, तो अभी ये जो स्पैन गुजरा है कि शवाहिद पेश किए जाएं, जज आए, तो आपको लगता है कि जानबूझ के मामले को निपटा रहे हैं? क्या शवाहिद होंगे साइफर के, क्या शवाहिद होंगे? यस और नो, केस बना दिया, इट्स मीन के साइफर आया था, अगर साइफर आया था तो क्यों आपने रिजीम चेंज किया? वकील बीमार हो जाता, कभी जज बीमार हो जाता, मतलब जानबूझ के लटका रहे हैं। नहीं बेटा, मैं पीछे जा रहा हूँ ना, कि पहले आप कहते थे साइफर आए नहीं है, हमने दिल पे पत्थर रख के मानने ही वाले थे कि साइफर नहीं आया, अब आपने केस बना दिया। यानी मैं कह दूं मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, पहले मैं कहूं मेरे पास मोबाइल है ही नहीं, बंदे मान लेंगे जी जाफी साहब के पास मोबाइल नहीं है, साथ ही मैं अगले दिन कह दूं मेरा मोबाइल चोरी हो गया, इट्स मीन मैंने मान लिया मेरे पास मोबाइल था। यही केस है कि पहले आप कहते थे साइफर नाम की कोई चीज़ ही नहीं आई, अब आपने केस बना दिया, इट्स मीन के साइफर भी आया, इट्स मीन बाहर से धमकी भी आई, इट्स मीन ये जितने लोग थे अदम एतमाद की तहरीक में, ये सारे कठपुतलियाँ थी, और इनकी डोरें किन के हाथ में थी? अमरीका वालों के हाथ में। बुशरा बीबी की डायरी की बात की जाए तो सफहात जो है वो कुछ अर्सा पहले लीक हुए, फिर उस पर बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया गया, तो आप उसके बारे में कहेंगे? यार देखो, एक तो उन्होंने डिनाई कर दिया, जब एक बंदा एक चीज़ से डिनाई कर दे वो बात ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात, उस डायरी को सच मान लो, उस डायरी को सच मान लिया, मेरी बीवी मेरे खाने का शेड्यूल बनाती है, मेरी बीवी डाइट प्लान करती है, दुनिया के हर मर्द की बीवी डाइट प्लान करती है, इवन के शॉपिंग बीवियाँ करती हैं मर्दों की, तो उसमें क्या था डायरी में? अगर वो सच था तो क्या उसमें कोई साइफर की कोई ऐसी चीज़ थी, कुछ सफात अगर आए हैं? कुछ भी नहीं था, वो डायरी थी ही नहीं, वो जो बुशरा बीबी हैं वो एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है, और वो जिस तरह से लिखी हुई थी ना, आपका कैमरामैन उससे अच्छा लिख लेगा डायरी को, तो वो देखें उनकी लाइफ अलग है, इमरान खान साहब की, बुशरा बेगम की, ये जितनी लोग मर्जी बातें करें, अल्लाह का उन पर करम है और दुनिया देख रही है। मैं वैसे इतने कानून का तालिब इल्म एक केस से डर रहा था, जो क्वेटा में अब्दुर्रज़ाक शर का, वो जो वकील साहब थे उनके कत्ल का केस जो डाला गया था खान साहब के ऊपर, और वो डेंटोनिक ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की फौरी तौर के ऊपर, अभी हॉस्पिटल में डेड बॉडी नहीं पहुंची थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी कि इमरान खान ने मरवा दिया, वो केस मुझे ख़तरनाक लग रहा था, वो भुट्टो तर्ज का केस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को अल्लाह पाक ने उसमें सरखरू किया है, वो खान साहब की याद तक खारिज हो गई FIR। बाकी ये जो जितने भी केस हैं वो करप्ट है ही नहीं, देखो ना जी, बंदा तो तब डरे जब वो चोर हो, वो करप्ट है ही नहीं, क्या साबित करेंगे? ये कुछ साबित नहीं कर सकते, अंदर रख लें, डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ महीना और रख लो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो बाहर था इनके लिए अजाब था, वो अब अंदर है, वो फिर भी इनके लिए अजाब है। इलेक्शन 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 किया जा रहा है, 90 दिन इन्हें दे मुक ही नहीं रहे हैं, कब हम देख सकते हैं? मुकेंगे जी इंशाल्लाह, मुकेंगे, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी थी नजर सानी की दरख्वास्त वो खारिज कर दी है, मुझे उम्मीद तो बड़ी है, 9-10 दिन रह गए हैं बंदयाल साहब के, वो कंटेम्प्ट लगा के जाएंगे, मुझे लग तो रहा है एक दो वो अच्छे बड़े फैसले करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तोशाखाना केस पे इमरान खान की जो सजा को सस्पेंड किया गया, क्या नहली भी सस्पेंड कर दी गई है, मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दी गई, क्या इसका प्रोसीजर? जो भी सजा थी वो ख़त्म हो चुकी है, यानी जो उनको 3 साल की सज़ा दी गई है, 1,00,000 रुपया जुर्माना और 5 साल की नहली, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। खान साहब इस वक्त अहल हैं और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, अभी अपील, अब मेन अपील पेंडिंग है, लेकिन देखें जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ट्रायल ठीक नहीं हुआ, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने कह दिया ट्रायल ठीक नहीं हुआ, तो वो जो अपील है वो भी सबको नज़र आ रहा है, जिस दिन लगेगी वो मंजूर होनी और ये सज़ा परमानेंट भी ख़त्म होनी है। असल में ये है कंवल, चीज़ जो कानून को समझते हैं उनके लिए ये मैं बात करने लगा हूँ, कि ये जो इतना स्पीडी ट्रायल करके एक लॉ को एक साइड पर रखते हुए, कानून और जाब्ते को एक साइड पर रखते हुए ये जो फैसला किया गया था, इसका वाहिद मकसद खान को नायल करना था, और किसी केस में उसको नायल कर नहीं पा रहे थे, कितने कितने यहाँ पे इन्होंने प्रोपागंडाज किए लेकिन किसी के ऊपर कामयाब नहीं हुए, लिहाजा अब ये अपने दिल से, मैं अभी कैमरा पे बता के जा रहा हूँ, ये तलवार लटकाना चाहते हैं खान के सर पे,
ठीक है, नहीं लटका पा रहे। सर क्या पे काम देंगे आप आखिर में? अल्लाह का वास्ता है, मेरे मुल्क का आम आदमी मर गया है, बिल अदा नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहा, अपने घर का राशन नहीं ला पा रहा। इवन के खुदा की कसम लोगों ने, मैं मेरे जानने वाले लोग हैं जो अपने घर का फर्नीचर बेचने पे मजबूर हैं। खुदा की कसम, मुझे एक बंदे का फ़ोन आया कि मैं एक घर के फर्नीचर की एक दो चीज़ें देना चाहता हूँ, अगर आपने लेनी हो तो। मैं आज सुबह गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था, मैं मोटरसाइकिल वालों के चेहरे देखने लग गया। खुदा की कसम, जब वो एक लीटर का मैं देख रहा था, डिजिट आता था ना 306 रुपये, उनके चेहरे देखने वाले थे। जो हुक्मरान होता है वो खुदा को डायरेक्ट जवाब दे है, और अवाम का वो जिम्मेदार है, अवाम का कस्टोडियन है, अवाम का बाप है। इस वक्त जो इस मुल्क के बड़ों ने अपनी जाती अनाओं की खातर, वो एक साइड पे रख दो ना यार, सारे सियासतदान, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, 25 करोड़ जो बेचारे गरीब मस्कीन और जिंदा लाशें हैं उनका एहसास कर लो। मेरा यही पैगाम है, खुदा का वास्ता है, अवाम के पास जाने दो सियासतदानों को, जो डिज़र्व करता होगा अवाम का वोट लेके आए, अच्छे मैंडेट के साथ, अवामी मैंडेट के साथ आए, उसके ऊपर अदारे अतमाद करें, उसके ऊपर लोग अतमाद करें। हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे यहाँ लाठी कर सकता है, ये इमरान खान की सज़ा हमें हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी दे रहा है। इमरान खान के साथ इंतकाम चंद लोग ले रहे हैं, लेकिन वो 24 करोड़ लोगों से बदला ले रहे हैं। वो बाहर से नहीं पैसे भिजवा रहे, वो अपने कारोबार उठा रहे हैं यहाँ से, सारी दुनिया ये जानती है। लिहाजा इस मुल्क को चलाएं, ये मुल्क है तो हम हैं, हमारी पावर, हमारी इज्जत, हमारा रोब, हमारा दबदबा इस मुल्क की वजह से है। अगर ये मुल्क नहीं चलेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का, और बिल्कुल ऐसा ही कि जी आवाम महंगाई के इस दलदल में फंस कर रह गई है, जिससे निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। सब इसके सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। साइफर केस के बारे में गुफ्तगू की, तोशाखाना केस के बारे में गुफ्तगू की, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।